अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो अगर आपने थंबनेल देख ली है या टाइटल देख ली है, तो अब मैंने लिखा हुआ है मोस्ट पावरफुल टार्च इन पाकिस्तान। तो वन ऑफ द बेस्ट टार्च में से अगर आप मैं रिकमेंड करूँ, तो अगर आप ये टार्च की लिस्ट में से अगर बात करूँ, तो ये नंबर वन पे आती है। और इसके आगे पीछे बहुत सारी टार्च हैं, लेकिन ये नंबर वन पे है। क्यों नंबर वन पे है? ये पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों चलती है? जितने भी हमारे भाई सऊदी या दुबई में रहते हैं, तो वो लाजमी इस तरह की टार्च खरीद के पाकिस्तान भेजते हैं। गाँव के एरिए जितने भी हैं, जैसे गुजरात है या लाला मूसा है या सरगोधा वगैरह के जितने भी हमारे भाई बाहर रहते हैं, वो इस तरह की टार्च लाजमी खरीद के देते हैं, क्योंकि गाँव में अक्सर बिजली चली जाती है, तो इस तरह की टार्च खरीदते हैं। होती भी महंगी है, दूसरा ये कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो चलती भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि इस तरह की ये टार्च बाहर बाहर से खरीदने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान से खरीदें। एक दूसरी बात ये कि ये कंपनी की है, ओरिजिनल सोगो की चीज़ आपने ख़रीदनी है। ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ब्रांड अवार्ड इसे मिला हुआ है इसी टार्च को, क्योंकि ये नंबर वन पे है पाकिस्तान में। अभी भी पाकिस्तान में यही टार्च ज़्यादा चलती है, ना कि आप कोई दूसरी टार्च देखेंगे वो चल रही होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग से पहले बता दूं कि ये जब भी आपने सोगो की कोई चीज़ लेनी है, तो वो सील पैक लेनी है। यहाँ पे स्टिकर लगा होगा, वो सील होगी। मैंने इसका ऑलरेडी सील खोली थी मैंने चेक करने के लिए कि ये कौन सी टार्च है। एक चीज़ ये है, उसके बाद ये भी सोगो की भी टार्च हैं, ये इस तरह की छोटे साइज़ की। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो के नीचे मुझे आपने मैसेज करके लाजमी बताना है। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि ये DPI की टॉर्च ले आऊँ, तो ये भी है साथ, ये इस तरह की इसकी लाइट है, इसकी भी वीडियो आ जाएगी। मैं बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो इसके ऊपर भी मैं मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा। अगर पसंद आई तो आपने लाजमी वीडियो के नीचे मैसेज करके बताना है। इस टॉर्च की अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी जो रोशनी है ये मतलब लेज़र लाइट को भी ये पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इसकी कमाल की रोशनी है। मैं इसकी जो सी अनबॉक्सिंग करता हूँ, और आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि इस टार्च को अगर ख़रीदना हो, तो दो कंपनियाँ पाकिस्तान में इस तरह की टार्च बना रही हैं। एक तो सोगो है, बान के चाइना से ही आती है, लेकिन ये पाकिस्तानी कंपनी है और अच्छी कंपनी है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर ख़रीदनी हो, तो आप सोगो की लाजमी चीज़ ख़रीदा करें। सोगो के एमरजेंसी फ़ाइन है, उसके बाद एमरजेंसी लाइट है, एमरजेंसी फ़ाइन है, और स्टैंड वाले फ़ैन है, बहुत सारी हमें सोगो की चीज़ें आई हुई हैं, तो वो आप ख़रीदें, वो अच्छी होती हैं। एक सोगो के अलावा ये टार्च जो है जी पास की कंपनी बना रही है, जी पास की कंपनी भी, वो भी पाकिस्तान में ओरिजिनल आई हुई है, वो काम कर रही है, बाकी इसके पास सब फेक है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है शायद, हाँ ये वारंटी कार्ड है, और ये मेन्यू है इसका, फेस कैप लेंस। ये आप जब ख़रीदेंगे तो इसे भी पढ़ लेना, काम की चीज़ होती है बार दफ़ा। और ये इसका चार्जर है। असल हमारी टॉर्च ये है, जो मैं आपको शुरू में वीडियो में बता रहा था, वो ये है कि इसके अंदर इस तरह का स्टिकर लगा होना ज़रूरी है। ऑलरेडी ये देख लें, जब भी आप सोगो की कोई चीज़ ख़रीदेंगे, उसके अंदर स्टिकर होना ज़रूरी है। मैं इसका सेल निकाल लेता हूँ, ताकि आपको सेल का भी बता दूँ कि इसके अंदर जो सेल रखा गया है, वो ओरिजिनल ड्यूरा सेल से भी अच्छा सेल डालते हैं, क्योंकि ये सोगो की जो कंपनी है, इसके अंदर जो सेल के अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है ना, वो जापानी फार्मूला लगा होता है। इस वजह से इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, और ये इसकी जो क्वालिटी है प्राइम क्वालिटी होती है, और ज़्यादा अर्सा चलती इसीलिए है ये। और दूसरा ये कि हमारी टार्च जो सी है बिल्कुल लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। जो बाहर से आती हैं वो ज़्यादा हैवी होती हैं। दूसरा ये कि उसके अंदर सेल सेम यही होगा, लेकिन जो है क्या कहते हैं क्वालिटी वाइज वैसा नहीं होगा। इस टॉर्च की मैं क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि अगर आप लोगों ने हैंकिंग करनी है, ट्रैवल करते हैं या हंटिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास ये टॉर्च होना ज़रूरी है। आप लोग अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, या क्या कहते हैं टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं, जो लोग दिवसाही जा रहे हैं या लरान या बापू सर टॉप, तो आपके पास एमरजेंसी टॉर्च होना ज़रूरी है। कभी रात के वक्त गाड़ी ख़राब हो जाए, तो आपके पास एमरजेंसी टॉर्च होना ज़रूरी है। बाद हेल्प के तौर पे भी काम आ सकती है, आप टॉर्च लाइट दे के आप हेल्प भी मांग सकते हैं, कोई आगे चला गया या कोई पीछे चला गया, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत दूर तक जाती है इस टॉर्च की, तो इसी पर्पज़ के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो भाई हैं जो सऊदीया में या दुबई में या और एशियन कंट्री में जाते हैं, वो इस तरह की टॉर्च भेजते हैं गाँव में। गाँव में ये टॉर्च नहीं चलती मेरे भाई की। और दूसरी, आप इतनी महंगी ख़रीद लेते हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि ये पाकिस्तान में ईजिली मिल जाती है, और कम प्राइस में, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ है गारंटी के साथ। ये मेरी गारंटी है, आप सोगो की लाइट ख़रीदें या जी पास की। इसके अलावा मैं किसी की गारंटी नहीं दूंगा, सिर्फ जी पास और सोगो की गारंटी दूंगा, क्योंकि ये दोनों पर्सनली चीज़ें मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। वन ऑफ द बेस्ट में से क्वालिटी में से एक है, क्योंकि सोगो की चीज़ जो है नंबर वन पे है, और इसकी जो एमरजेंसी टॉर्च हैं या फ़ैन आ रहे हैं जैसे ज़बरदस्त किस्म के।
तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है सोगो की। मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू छत पे चल के देता हूँ ताकि आपकी इसकी लेंथ दिखाता हूँ कहाँ तक है, फिर मैं आपके मज़ीद बात करता हूँ। तो छत से जाने से पहले मैंने सोचा इसके ऊपर सेल डाल लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि सेल कहाँ पर डलता है। सेल का खोल है मैंने, तो मैं आपको सोचा है कि एक चीज़ ये दिखा दूँ कि ओरिजिनल चीज़ जो होती है उसकी खासियत ये चीज़ चेक कर लें कि उसकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही कमाल की होती है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ अच्छी बनी हुई है। तो सेल का ये जो हिस्सा है ये ऊपर होगा और ये नीचे रहेगा, तो ये जब ये इसके अंदर डालेंगे तो ये नेट सही तरह बैठता नहीं है, तो ये बंद नहीं होती जब तक आप इसे पुश नहीं करेंगे। ये मैंने पुश की है तो ये हो गई है बंद। तो अभी मैं चलता हूँ छत पे ताकि आपको इसकी थोड़ी सी जो रोशनी है वो दिखाता हूँ, और आपको चल के मैं जो है ना इसके बाद में इसका आपको इसकी जो है अपने रूम का रिव्यू देता हूँ। तो आए चलते हैं छत पर। तो गाइस छत पे तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मसला ये है कि आईफोन ने वो फुटेज कैप्चर नहीं की जो मुझे चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मेरा एंड्रॉयड फ़ोन ने जो है ना काम कर दिया। तो आपके सामने ये टॉर्च की जो रोशनी है वो आसमान को टच कर रही है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी पावरफुल टॉर्च है। इसलिए मैंने इसके टाइटल पे लिखा हुआ था मोस्ट पावरफुल टॉर्च इन पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये टॉर्च बहुत ज़्यादा चलती है, और इसकी चलने की वजह भी यही है कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत दूर तक जाती है, ये जो वर्थ होती है वो बहुत दूर तक जाती है। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप पाकिस्तान से ख़रीदें। मैंने दो कंपनियों के नाम बताए हुए हैं, एक जी पास है एक सोगो है, उसकी टॉर्च ख़रीदें। तो इसकी लेंथ आप देख लें कितनी दूर तक जा रही है। तो जो फुटेज मुझे चाहिए थी वो तो खैर मिली नहीं है, लेकिन जितनी मिली है वो मैंने कोशिश की है वीडियो में थोड़ी बहुत एडिट करके ना मैंने वो डाल दी है। तो कुछ रह जाए वीडियो में तो कोई मसला नहीं, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसी आपको लगी है ये इसकी रोशनी। तो दोस्तों छत से हो आया हूँ, आप लोगों को मैं ज़्यादा आगे पीछे लाइट मार नहीं सकता क्योंकि पता है आपको घर होते हैं तो ज़रा नामुनासिब लगता है, ज़रा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सारी आगे पीछे बिल्डिंग बनी हुई है तो गांव का कोई एरिया है नहीं है। गांव का एरिया होता तो मैं आपको मार के दिखा भी देता। तो आप लोगों ने अगर इसे शिकार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी कर सकते हैं। मैंने इसकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। मज़ीद मैं आपको लोगों के साथ सोगो की चीज़ें शेयर करूंगा। बीच में एमरजेंसी टॉर्च है, टॉर्च तो मैंने कर दी है, एक और मैंने आपको शुरू में वीडियो जो दिखाई थी वो ये थी, इसकी भी वीडियो एक शेयर करूंगा, और एमरजेंसी लाइट है जो सोगो की उसकी भी वीडियो मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो आपने मुझे लाजमी बताना है, वीडियो के नीचे मैसेज करके बताना है, या इधर फेसबुक पर मैसेज करें या इंस्टाग्राम पर लाजमी मैसेज करके मुझे आपने बताना है। तो कोई अगर मेरी वीडियो में रह जाए तो कोई मसला नहीं, आपने मुझे लाजमी मैसेज करके बता देना है कि मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है। तो ये चार्जर है, मैं आपको चार्जर दिखा देता हूँ, इसका आम नॉर्मल चार्जर ही है। ये अगर किसी को ख़रीदना हो तो ये चार्जर भी इजीली मिल जाता है। ये चार्जर जो उनसे इसके अंदर लगा हुआ है चार वोल्ट 5 एम्पेयर का चार्जर लगा हुआ है, तो ये भी इजीली मिल जाता है, लेकिन ये भी है वैसे ओरिजिनल सोगो का चार्जर है। तो अगर किसी के पास अगर किसी को चार्जर ख़रीदना हो तो ये भी बता दूँ, ये इजीली इसका चार्जर मिल जाता है, 250-250 रुपये का चार्जर है। इस टॉर्च को लाजमी ख़रीदें, ये ज़्यादातर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टॉर्च है, ना कि आप बाहर से ख़रीदें। तो मैं आपको ज़रा अपने रूम का भी दिखा देता हूँ, ये चेक करें। कि मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।